हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू लकी एजुकेशन। टेंथ चल रहे हैं आपके और लगभग कंप्लीट होने के मोड में हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपने टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया होगा और अच्छा भी लगा होगा। कोशिश करें कि डे टू डे लाइफ में उनको एप्लीकेबल करके बोलना सीखें, बोलने की कोशिश करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। एक चीज़ और, अभी टेंस जैसे ही कंप्लीट होंगे तो मैं कुछ आपको वॉकअप सेक्शन शुरू कराऊंगा। थोड़ा सा साइड में यहाँ पर आपको एक साइड में कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। और टेंथ स्टैंडर्ड पर यदि हम बात करें तो आप जब ड्राफ्टिंग करोगे तो ड्राफ्टिंग करते समय वो आपके काम आ जाएंगे, जैसे कि आपको लिखते समय दिक्कत नहीं हो, सेंटेंस फ्रेम करते समय दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझना ज़रा, बहुत छोटा सा टेंस है, ज़्यादा ऐसा कोई वो नहीं है, सिंपल मोड में जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले कह देता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फ्यूचर टेंस वैसे भी ऑब्वियस नहीं है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल ही ऑब्वियस नहीं है, इसका ज़्यादा रोल नहीं है। क्यों नहीं है, देखें ज़रा ध्यान से। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि जनरल यदि हम बात करें तो जनरल वे में मैं ये भी कह सकता था कि रहा होगा, ठीक है, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, सबको पता रहती है, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब ये जनरल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यानी भविष्य में काम का जारी रहना पाया जाएगा, लेकिन कंडीशन दो है उसके अंदर कि दो तरीके से हमें सीखना है, दो तरीके से पहचानना है। तो पहली पहचान क्या होगी इसकी, कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेंगे। इसका मतलब क्या है, काम तो चलेगा लेकिन वो परमानेंट नहीं है, कुछ समय तक ही चलेगा, यानी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो आगे कब तक चले, कब तक रुके, मतलब एक टेम्परेरी एक्शन है एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ। जैसे कुछ समय तक जारी रहेंगे, कुछ समय तक जारी रहने का क्या मतलब है, मैंने कहा वह वहाँ रुकी रहेगी, इसका मतलब क्या है, रुकी तो रहेगी लेकिन ये पता नहीं है कब तक रुकेगी। इससे पता चला रुकी रहेगी लेकिन अब परमानेंट नहीं है, हाँ रुकेगी, रुकी रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि हाँ रुकेगी लेकिन ये पता नहीं है कब तक रुकेगी, ऐसा कुछ पता नहीं हो सकता है, वो जल्दी वापस आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ समय तक जारी रहेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट के बाद में आ जाता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जब वह घर पहुँचेगा तो उसकी बेटियाँ पढ़ती रहेंगी। अब घर पहुँचेगा बेटियाँ पढ़ती रहेंगी, अब बेटियाँ परमानेंट तो पढ़ती रहेंगी नहीं, कुछ समय तक ही तो पढ़ेंगी, ये थोड़ी है पढ़ती चली जाएंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो आपको किस उसमें जाना पड़ेगा, जैसे ये है यहाँ पर ये आया तो आपको तुरंत यहाँ भी देखो, लेकिन ये मैंने क्यों लिखा है अलग, क्योंकि इसमें दो वो हैं, दो सेंटेंसेज हैं, ढंग से समझ लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए स्पोकन बहुत आसान होने वाली है आपके लिए, आप ढंग से यदि आप पढ़ रहे हैं तो स्पोकन बहुत आसान होगी आपके लिए। देखें जरा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, व्यवहार रुकी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये जनरल है। अब इसको देखें जरा, सेकंड नंबर की यदि मैं बात करूँ तो मैं डेफिनेशन लिखूँ, उससे ज़्यादा आप एक शब्द में समझ जाएं इसको। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डेफिनेट प्लान लिख दिया मैंने और सुनिश्चित कार्यक्रम लिख दिया, यानी कि जो फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या खास बात होती है कि इसमें दो तरीके के एक्शंस होंगे, पहला क्या रहेगा टेम्परेरी और दूसरा क्या रहेगा परमानेंट। परमानेंट में क्या है कि वह कल इस समय अपने बॉस से मिल रहा होगा, तो निश्चित है, डेफिनेट है, जब बॉस ने टाइम दिया है तो उसी समय वो वहाँ पहुँचेगा और उसी समय अपने बॉस से मिलेगा भी, ठीक है। वे कल दोपहर को शिमला में प्रवेश कर रहे होंगे, प्री प्लान है, जब भी तो प्रवेश कर रहे होंगे इस समय, ऐसा तो है नहीं कि चल दिए और शिमला में चले गए, कोई ना कोई प्रोग्राम तो है उनका कि हमें इस समय शिमला पहुँचना है। आप यदि किसी से कह रहे हैं कल हमें इस समय वहाँ पहुँच जाना, वैष्णो देवी पहुँच जाना है, कल हमें इस समय पिक्चर हॉल पहुँच जाना है, तो पिक्चर का टाइम तो फिक्स है, ये थोड़ी है कि पिक्चर 12 बजे स्टार्ट हो रही है, 12:30 आप पहुँच रहे हो, फिर क्या मतलब है वहाँ पिक्चर हॉल जाने का, डेफिनेट है या नहीं है, सुनिश्चित प्लान है या नहीं है। देखो क्या लिखा मैंने, सुनिश्चित कार्यक्रम, लेकिन वो रुकी रहेगी, बेटियाँ पढ़ती रहेंगी, वो खाना खाता रहा होगा, अब कब तक खाता रहेगा क्या। तो इस तरीके से आपको ये डिसाइड करना होता है कि हम किस तरीके से हम सोच रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से हम उनको सेंटेंसेस को बना रहे हैं। तो ये ध्यान से देखें जरा, यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन में आपको आसानी हो जाएगी। और पैटर्न की बात करें तो देखो पैटर्न मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसमें क्या हो जाएगा, ये वही पैटर्न चलेगा, सेल बी विल बी, है ना, क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा, MB1 + ING, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एडवर्ब्स, टाइम एडवर्ब्स का मतलब वही है टुमारो, नेक्स्ट डे, आगे आप बताते चले जाएं, जो भी आपको फ्यूचर के बारे में बतानी है,
डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा, परसों के लिए लगाना चाहेंगे वो परसों आप पहुंचेगा, डे आफ्टर टुमारो लगा दो, जो भी फ्यूचर को शो करें उनको आप इसमें लगा सकते हो, सभी टाइम एडवर्ब्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं देखिए बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, वहमा रुकी रहेगी, सी सी विल बी स्टेइंग देयर, वहमा रुकी रहेगी। व्हीकल इस समय अपने बॉस से मिल रहा होगा, ही विल बी मीटिंग हिज बॉस एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। व्हीकल इस समय शिमला में प्रवेश कर रहे होंगे, दे will be entering into Shimla tomorrow in the afternoon। बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वो हो गया, दिक्कत जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। They will be entering into Shimla tomorrow in the afternoon, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इन द आफ्टरनून टुमारो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही एक तरीके से एक टाइम फॉर्मेट को बता रहे हैं कि कब जाएंगे कब पहुंचेंगे, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। और आप entering into Shimla tomorrow in the afternoon कर सकते हैं, in the afternoon tomorrow कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसका कोई विशेष कोई ऐसा रूल नहीं है। आगे देखें, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये पैटर्न है, ये मैंने समझा दिया। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, जब वह घर पहुँचेगा उसकी बेटियाँ पढ़ती रहेंगी, वही स्थिति है, विशेष ध्यान रखना। एक तरीके से ये मान लीजिए कि एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल है नहीं लेकिन हम कंडीशनल में इसको लेके चल सकते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा हो रहा होगा उस समय, ठीक है। तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, फ्यूचर की हमेशा खास बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिमाग में फिट कर लीजिए, फ्यूचर की खास बात है, यदि दोनों वाक्य फ्यूचर के होंगे तो एक उनमें से निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा, बाकी दूसरे में फ्यूचर टेंस कौन सा भी यूज हो लेकिन एक प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर को शो कर देता है। बस ये आप दिमाग में फिट कर लें आज के बाद, ठीक है ना। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, दोनों बने थे, दोनों फ्यूचर के थे, एक किससे बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाया, नहीं बनाया, बनाया नहीं बनाया, क्लियर। तो आप देखें, व्हेन ही गेट्स होम His daughters will be reading। क्या हो जाएगा, When he gets home, his daughters will be reading। जब वो घर पहुंचेगा तो उसकी बेटियां पढ़ती रहेंगी, अर्थ समझ लें, उसकी बेटियां पढ़ती रहेंगी, ये आपको बताना है, एक्शन है टेम्परेरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कई तरीके की ऐसी वो आती हैं कि मैं एक आपसे आपको और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे पहले ही मैंने बताया था कि जब जब दो सेंटेंस फ्यूचर के आए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब जब दो सेंटेंसेस फ्यूचर के आए तो एक में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, क्लियर। इससे पहले भी आपके सामने आ गया, इंडेफिनिट में आ गया, कॉन्टिन्यूस में आ गया, अब आप जैसे ही परफेक्ट में पहुंचोगे उसमें भी यही पैटर्न आएगा, किस तरीके से आपको यूज करना है ये मैं आपको उस समय बता दूंगा, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो कहने का मतलब है कि यदि फ्यूचर को कोई शो करवाना है, आपको कोई फ्यूचर को शो करना है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज होता है, मैक्सिमम केसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा ही उसको बता दिया जाता है। जैसे आपने कहा कि मेरे आने तक यहीं रुकना, मेरे आने तक यहीं रुकना, यानी मैं आऊँगा, क्लियर, मैं आऊँगा भविष्य में और यहीं रुकना, तो आप क्या कहते हो सामने वाले से, वेट हेयर, इंतजार करो, इंतजार करना, स्टे हेयर, रुके रहना, अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आऊँगा, क्लियर, यहीं पर रुकना, यहीं पर इंतजार करना, जब तक मैं वापस आऊँ, आऊँ कब, भविष्य में आऊँ, इसका मतलब फ्यूचर बना कैसे रहे, वेट हेयर, स्टे हेयर, अनटिल आई रिटर्न,
अनटिल का मतलब टिल प्लस नॉट, जब तक मैं नहीं आ जाता यहीं पर रुकना। तो किससे शो कर रहे हो आप फ्यूचर को? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शो कर रहे हो। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंस टेंस है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है कि हर किसी में कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आ ही जाती है। ठीक है, लिख लें इसको, क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। तो इस तरीके से मेरा ये टेंस कंप्लीट होता है, आप नोट कर लीजिए पूरा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने वाली बात है। ठीक है, अगला जो वीडियो लेक्चर होगा मेरा वो एक और बहुत अच्छा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, अच्छा लगेगा आपको समझने में, एक नई चीज़ आएगी उसके अंदर। तब तक आप मेरे वीडियोस को पूरा देखें, ढंग से समझें, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछें। एक क्वेरी है मेरे पास नो और नॉट वाली, उसको मैं जल्दी उसमें डाल दूंगा, थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं उसको डाल नहीं पाया। बहुत सिंपल है नो और नॉट का यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो आप, पढ़ते रहें, समझते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।